तो आज मैंने वेयर किया है महेश्वरी मटेरियल का ब्यूटीफुल सा सलवार कमीज़। जी हाँ, बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है और आज मुझे ये लुक लेने का बहुत मन किया। आई होप आपको पसंद आया। तो हम लोग रेडी हैं, जय हमें जबलपुर घुमाने ले जा रहे हैं, है ना? आपको कुछ पता बता है कि गूगल किस हेल्प से जाने वाले हैं? गूगल माता का वो लेना पड़ेगा। ओके, तो हम गूगल माई का चरण स्पर्श करते हैं कि हमें सही जगह ले जाएगी, क्योंकि हम कल भी भटक गए थे, हम उस दिन भी भटक गए थे। तो चलो ठीक है, ऐसे एडवेंचर्स तो चलते रहते हैं। तो चलिए हमारे साथ, हम लोग घूम के आते हैं खूब सारी जगह। ये फिर मेरा बेटा मुझे परेशान करने लग गया। चलो मिलते हैं। तो आप लोग मेरे साथ जा रहे हैं धुआंधार जलप्रपात और भेड़ाघाट, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है जबलपुर के पास की। तो सबसे प्रिटी जो प्लेसेस हैं वो जबलपुर में देखने लायक यही दोनों हैं। और आप लोग इस 15 मिनट की वीडियो में बहुत प्यारी प्यारी जगह देखने वाले हैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये वीडियो आपका दिल खुश कर देने वाला है, तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ये जो ब्यूटीफुल सी रिवर आप देख रहे हैं वो है नर्मदा रिवर या नर्मदा नदी। जी हाँ, भेड़ाघाट में नर्मदा नदी है। भेड़ाघाट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर संगमरमर या मार्बल के बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं। जी हाँ, यहाँ पर बहुत खूबसूरत संगमरमर या मैं कहूँ मार्बल के बहुत प्यारे प्यारे रॉक्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ हैं। मतलब अगर आप इसे मूनलाइट में देख लें, यहाँ पे प्रॉपर बोटिंग होती है, अगर आप बोटिंग मूनलाइट में करें तो आपको सीरियसली मज़ा आ जाने वाला है। आज है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर पूजा होती है। तो यहाँ पर जो यहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं, कई लोग यहाँ पे बहुत दूर से भी आते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर जो है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में नर्मदा नदी की पूजा की जा रही है। हम लोग यहाँ पर बहुत सही दिन पहुँचे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा मतलब फुल मून की नाइट। जी हाँ, अगर यहाँ पर आज के दिन हम बोटिंग करें तो हम लोग बहुत प्यारा व्यू देख सकते हैं, लेकिन ड्यू टू हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ पर 4 महीनों के लिए बोटिंग बंद कर दी जाती है। ये हमारे लिए सबसे बैड लक था, बहुत मूड ऑफ हो गया हम लोगों का जब हम लोगों ने ये सुना, लेकिन फिर भी हमने इस जगह को बहुत एंजॉय किया। हाँ, ये क्या बना रहे हो? मछली का दाना। अच्छा, मछली का दाना है? हाँ, मछली का दाना। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा इसलिए? हाँ। ये इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यहाँ पर मार्बल से बनी हुई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब आप लोग इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ देखेंगे यहाँ पे कि आप लोग बिना उन मूर्तियों को खरीदे हुए जा ही नहीं सकते। यहाँ पर थोक के भाव में बहुत सारे प्रकार के मार्बल्स यूज़ करके अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें ब्लू मार्बल, वाइट मार्बल और भी अलग अलग किस्म के मार्बल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं भेड़ाघाट के बड़े बड़े मार्बल के रॉक्स को। जी आप देख सकते हैं, ये जो है दूर दूर तक फैले हुए मार्बल के रॉक्स हैं। बारिश हो रही है और हम लोग भेड़ाघाट आए हुए हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे बोटिंग करने के लिए तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है। नेतिक भी वीडियो निकालने में बिजी है, मेरी
फैमिली छोटी सी छतरी के अंदर हम लोग यहाँ पे आए हैं और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बोटिंग बंद है इस टाइम पे, 4 महीने के लिए यहाँ पे बोटिंग बंद हो जाती है। तो आप लोग टाइम देखते हुए आए, भेड़ाघाट में असली मज़ा बोटिंग करने का ही है। तो चलिए ठीक है, ये वाले गाइड जो है हमारे ये सही नहीं थे इस बार, हमें लेकर आए हैं। लेकिन चलिए यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, तो मैं आप लोगों को ये पूरा व्यू दिखाती हूँ। और आप लोग जब भी आना तो बारिश के टाइम पे 4 महीने यहाँ पे बोटिंग बंद रहती है, तो थोड़ा पता करके आना। 15 जून से 15 अक्टूबर तक रहती है, तो 15 अक्टूबर से आना, ठीक है? 15 अक्टूबर के बाद आना। जेपी गाइड आपको लेके चलेंगे। हाँ, धुआंधार जल प्रपात, धुआंधार जल प्रपात लेके जा रहे हैं हमारे जेपी गाइड हमको। तो अभी चलिए देखते हैं, बारिश अच्छी खासी हो रही है, तो हमें तो बोटिंग करने नहीं मिला, लेकिन अच्छा लगा, इतना अच्छा व्यू था और आप लोगों ने देखा। व्यू अच्छा नहीं होता है, संगत अच्छी होती है। देखिए हमारे साथ रहिए, आपको पत्थर में भी जान दिखेगी। ओह माय गॉड, सुन लिया आप लोगों ने? तो चलिए अब आगे जेपी गाइड हमें कहाँ कहाँ घुमाते हैं। ओके, लेट्स गो। हमारे पतिदेव जो है अपना काम छोड़ के, यानी आज सैटरडे छुट्टी है, तो अपना का सारा काम धाम छोड़ के हम सबको एंटरटेन करने के लिए लगे, ठीक है? yes. चलिए, छोटा गाइड पीछे है, उसको तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। आज ये मेरे साथ बड़ा गाइड है जो हॉलीडे के फुल ऑन मूड में है। तो चलिए, तो ये जो पतला सा रास्ता है ये कहीं तो जा रहा है और हम अटक गए हैं शायद। नहीं, अटके नहीं है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं पापा वहाँ से, सो वी कैन गो। स्वर्ग द्वारी आ चुके हैं, इसी के साथ स्वर्ग के द्वार पहुंच चुके हैं हम। वाओ, जगह से निकलकर अभी मैं आप लोगों को मार्बल के मार्केट में ले आई हूँ। जी हाँ, मार्बल से बनी हुई बहुत प्यारी प्यारी और खूबसूरत सी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप देखिए ये जो भैया है वो मार्बल की कितनी प्यारी नेम प्लेट सॉर्ट ऑफ बना रहे हैं। जी आप देख सकते हैं मार्बल को कितने फाइनली ये कट कर रहे हैं, कितना छोटा सा कटर है उनके हाथ में और ये बहुत खूबसूरती से, बहुत बारीकी से ये काम कर रहे हैं। जैसा हमें ले जा रहे हैं धुआंधार जलप्रपात की ओर, काफी पैदल चलना पड़ रहा है हम लोग को और बारिश भी हो रही है अच्छी खासी, मतलब गाना सुन रहे हैं आप? तो अभी रेट मत देना है? नहीं, गा सकते हैं, कॉपरेट कर सकते हैं। चलो, तो अब हम जा रहे हैं धुआंधार जलप्रपात के, वाकई में बहुत मस्त जगह है। चलिए आप लोग, मैं दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली मार्बल ही है ये, दोनों फोर्स देखो यहाँ से। हाँ, और ये है धुआंधार जलप्रपात के हम करीब, आगे जाएंगे हम, पता नहीं कहाँ जाएंगे यार। माय गॉड, क्या फोर्स है, देखिए पानी जो है ये हमारे पैरों के पास तक आ चुका है। अब हमें यहाँ से पार करके हमें वहाँ तक जाना है, जो लोग जा रहे हैं। चले जयप्रकाश, आगे बढ़े। अरे नहीं जा सकते बाबा। अरे सुबह तक तेरे घर कहीं नहीं आएंगे। <भाई। laughs>
धुआंधार जल प्रपात के सामने माई फोर्स देखी कितना फोर्स है पानी में। हम लोग जिस जगह खड़े हैं वहां भी बहुत सारा पानी, पानी में बहुत फोर्स है। तो देखिए ये हम तीनों के नाम लिखा हुआ मार्बल से बना हुआ खूबसूरत सा शोपीस। मेरे साथ रोपवे में है, जी हाँ मैं आपको वो व्यू दिखाऊंगी जो सबसे बेस्टेस्ट व्यू है, जी रोपवे वाला व्यू। मैंने आपको इस वीलॉग में सारे के सारे व्यूज दिखाने की कोशिश की है। मेरा मन था कि जो चीज़ मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो मैं आपको वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाऊं। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए ये वाला व्यू जो सबसे बेस्ट व्यू है। अब ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये है दूसरे साइड वाला व्यू। जी अब हम रोपवे से अदर साइड आ गए हैं, तो मैंने ये व्यू भी आपके लिए कैप्चर किया है और ये व्यू भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। आप इसे देख के नहीं बोल सकते कि ये धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। आप इसे देख के नाइग्रा फॉल को भूल जाएंगे, ये मेरा आपसे पक्का वाला वादा है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए थे, देख देख के बीमार में पड़ जाऊँ मैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो साथ ये वाला साइड हमारे गाइड जी जो हमें लेकर आए थे,
तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरे तरीके से गीले हो गए हम लोग, अच्छे से बहुत एंजॉय किया हमने वाकई में। धुआंधार बहुत अच्छी जगह, आप लोग जरूर आइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय 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 बाय, टेक केयर।